कश्मीर में लगातार जन आशीर्वाद यात्राओं से भीड़ गायब, रैलियों का हो रहा जोरदार विरोध, दिखाए जा रहे काले झंडे से बीजेपी परेशान। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश में जो है वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस जन आशीर्वाद यात्रा में जो है वो कहीं इसका काला झंडा दिखाया जा रहा है, तो कहीं जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ गायब है, कहीं भीड़ बटोरने के लिए बार डांसरों को बुलाया जा रहा है, तो कहीं भीड़ बटोरने के लिए दारू पिलाई जा रही है। हालात ये हैं कि भीड़ गायब है, जहाँ दारू और आर्केस्ट्रा नहीं है वहाँ भीड़ गायब है। ये तस्वीर ज़रा ध्यान से देखिए, यह तस्वीर मध्य प्रदेश के खिचलपुर विधानसभा से निकल के आई है, जहाँ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से जनसभा का ये नज़ारा है, जहाँ पूरी तरीके से भीड़ गायब है। मोदी जी कितना भी चिल्ला लें, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सन्नाटे में जनता है। मध्य प्रदेश के खिचलपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में जनसभा का नज़ारा है और लोग पूरी तरीके से वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ और वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, जो कि पूरी तरीके से इनकी पोल खुल गई है और पूरी तरीके से जो है वो अब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की कदर विरोध हो रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग दोस्तों, आखिरकार जिसका जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है झूठ का नफरत, अब इस झूठ के नफरत में एजेंडा था G20 समिट का, बजट था 990 करोड़, खिंचता चला गया 4100 करोड़ रुपए। जी हाँ, जनता की मेहनत की कमाई अपनी छवि चमकाने में उड़ाई, कांग्रेस पार्टी ने बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, आपने देखा होगा कि G20 बैठक में कितने बड़े पैमाने पर रुपया लगा, ये रुपया किसका है, ये आम जनता का रुपया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यहाँ पर एक आंकड़ा निकल के आया है, जहाँ पर 990 करोड़ रुपये खर्च होना था, लेकिन यहाँ मोदी सरकार 4300 करोड़ रुपये इस G20 समिट में खर्च कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी भड़कते हुए कहा है कि मोदी अपने चेहरे को चमकाने के लिए, जिसका ना तो कोई जो है वो मतलब निकलने वाला है, ना ही इससे कोई कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी 900 करोड़ का G20 समिट ये पूरी तरीके से 4000 करोड़ रुपए में कराए हैं। ये जनता का पैसा नहीं तो क्या मोदी और मोदी के बाप का पैसा है, सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मध्य प्रदेश धार शहर के कमल मौला मस्जिद में अज्ञात लोगों ने रखी सरस्वती की मूर्ति, हिंदुत्ववादियों ने कहा मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है, इसलिए इसको मस्जिद बना दिया जाए। दरअसल देश भर में जिन जिन राज्यों में खास करके चुनाव है, माहौल ख़राब हो रहा है। महाराष्ट्र में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सतारा में माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, और वहाँ हालात आज ये हो चुके हैं कि माहौल इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं सतारा में कि 2 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई है और धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी माहौल ख़राब करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में ताज़ा वाक्य निकल के आया है धार शहर की कमल मौला मस्जिद में, जहां इस मस्जिद में जो है वो कुछ लोग मूर्तियों को रख दिया, और मूर्तियों रखने के बाद जो है वो ये कहा गया कि हिंदुत्ववादियों ने कहा कि मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई, इसीलिए इसको मस्जिद में रखा जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो है मंदिर में मस्जिद मिलने के बाद माहौल गर्म हो गया है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो है वो यहाँ पर मंदिर है, ये मंदिर होनी चाहिए, तो मस्जिद को मंदिर बनाने की भरपूर कोशिश की जाने लगी है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि हिंदुत्ववादियों ने जो कहा था वो पूरी तरीके से गलत साबित हो रहा है, क्योंकि मस्जिद में ही रखे जाने की बात ये पूरी तरीके से अब गलत साबित हो रही, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही यहाँ पर। कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है G20 के लिए मोदी सरकार का बजट, हमने आपको बताया क्या कुछ था, अब आप अपने सुझाव दें। एक और बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां इंडिया समन्वय की बैठक में जो है वो कांग्रेस पार्टी ठोक सकती है उत्तर प्रदेश में 20 सीटें और बिहार में 10 सीटें का दावा। दरअसल कांग्रेस इंडिया गठबंधन की पहली आज समन्वय समिति की 13 सितंबर को होने वाली बैठक से पहले यूपी और बिहार में अपना महत्व बढ़ाने की योजना बना रही है। इसी को लेकर पार्टी की कुछ कठिन सौदेबाजी की तैयारी कर रही है। बता दें, लोकसभा के कुल 543 सदस्यों में से उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर यहाँ 120 सदस्य चुने जाते हैं, और इसी कड़ी में नवगठित 14 सदस्यीय पैनल की मेज़बानी NCP प्रमुख शरद पवार बुधवार को यानी आज कर रहे हैं, मीटिंग जारी है। इस बैठक में संभवतः जो है वो कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग का फार्मूला भी मंगा सकती है, और उत्तर प्रदेश में जो है वो 20 सीटों पर दावा जो है वो कांग्रेस ठोकने की चाहत में है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को घोसी में चुनाव में लगा झटके के बाद बदल दी पूरी रणनीति। दरअसल आपको बता दें, जैसे ही घोसी में जो है वो दल बदलुओं को टिकट दे करके तत्काल चुनाव लड़ाना
बीजेपी को एक नहीं कई जगहों पर भारी पड़ चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगे झटके के बाद अब बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है और कहा है कि अब किसी भी कीमत पे जो है वो ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो तुरंत बीजेपी में शामिल होंगे। इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करना शुरू कर दिया है, यानी घोसी चुनाव हारने के बाद वो जो है वो अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के, फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं अपना सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां प्रियंका गांधी ने शिमला के शिव मंदिर में किया दौरा, जहां भूस्खलन से 19 लोगों की गई थी जान। प्रियंका गांधी ने तत्काल राहत और बचाव कार्य के लिए मदद पहुंचाने की अपील की। दरअसल प्रियंका गांधी ने शिमला के शिव मंदिर का दौरा किया जहां भूस्खलन से 19 लोगों की जान चली गई थी। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें महासचिव हिमाचल दौरे पर रही और उन्होंने शिमला के समर हिल स्थित शिव मंदिर स्थित दौरा किया और क्षेत्र 14 अगस्त को बड़े पैमाने पर भूस्खलन की चपेट में आ गया था जिसमें करीब 19 लोगों की जान जो है वो चली गई थी। यहाँ आपको जानना ये ज़रूरी है कि अगर कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार इसे आप राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे, ये उनकी मांग है, उन्होंने प्रदेश पर काफ़ी फायदा हो सकता है, लेकिन उनकी नीतियों से ऐसा लग रहा है कि वे नुकसान को समझ नहीं पा रहे हैं। यानी प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, तब जाकर यहाँ के लोगों की मदद हो सकेगी। एक और अपडेट निकल के आई है कमलनाथ का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला, कहा शिवराज ने भाजपाई बीमारियों से राज्य को निष्क्रिय और निष्प्रभाव बना दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि आज मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने में कमलनाथ का शिवराज का पूरा हाथ है। पूरी तरीके से इस सरकार ने जो है वो इस सिस्टम को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं ये किसी भी कीमत पे सरकार और मध्य प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करने वाली है। अगली एक और अपडेट, उत्तर प्रदेश में आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड, कई जगहों पर चल रही छापेमारी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के कई ठिकानों पर सुबह से आयकर विभाग की छापेमारी हुई। बताया गया कि आईटी की टीम रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, सहारनपुर में छापेमारी हुई। ये छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर की गई। जिस समय आयकर विभाग की टीम रामपुर में छापे के लिए पहुंची थी उस समय आजम खान रामपुर स्थित अपने आवास पर मौजूद थे। खबरों के मुताबिक आईटी की टीम आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट खातों की जाँच कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेश पर आयकर विभाग की टीम आजम खान के आवास पर छापेमारी की। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के विधायक और आजम खान के करीबी नसीर खान ने घर पर भी आयकर विभाग की टीम छापेमारी कार्रवाई की। नसीर खान चमरौआ से सपा विधायक और आजम खान के जौहर ट्रस्ट में पदाधिकारी भी हैं। छापेमारी के बीच आजम खान और उनके परिवार इस समय घर के अंदर मौजूद रहे। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आजम खान के घर को चारों तरफ से घेरा और किसी को न आने की अनुमति दे रखी और सीधे तौर पर इस तरीके से मानो कोई किसी आतंकी का घर हो। यह आजम खान ने कहा कि वाह भाई वाह, हमारे घर को आतंकियों का घर बना दिया गया। एक और अपडेट, विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को नई संसद फहराया जाएगा तिरंगा और जाने क्यों रखी गई तारीख। दरअसल मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले नए संसद भवन पर देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। सरकार ने 18 से 22 सितंबर के दौरान यह संसद का विशेष सत्र बुलाया है, इससे एक दिन पहले ही। आपको बता दें यहाँ 17 सितंबर को नए संसद भवन पर तिरंगा फहराए जाने की तैयारी की जा रही है। बता दें 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का दिन भी है और प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। बताया गया 17 सितंबर को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद के नए भवन के गजद्वार पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम में के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें सरकार द्वारा बुलाए गए इस सत्र में विशेष सत्र के पहले 18 सितंबर को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो संसद के पुराने भवन में उसी तरीके से सुचारू रूप से चलेगी जैसे पहले चला करती थी। विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी 19 सितंबर से पहले सदनों की कार्रवाई नए भवन में हो सकती है। तो सीधे तौर पर जो है वो नए भवन की तैयारी इसीलिए की जा रही है और मोदी का जो बर्थडे है, मोदी जी अपने बर्थडे पे इस तरीके की चीज़ें करेंगे। एक और अपडेट, G20 के दौरान दिल्ली के होटल में चीनी प्रतिनिधिमंडल के संदिग्ध बैग पर हंगामा, होटल में कई घंटों तक बना रहा तनाव। दरअसल आपको बता दें पिछले सप्ताह G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली के
प्रतिष्ठित ताज पैलेस 5 सितारा होटल में कई घंटों तक तनावपूर्ण गतिरोध उत्पन्न रहा। सुरक्षाकर्मियों को सम्मेलन में भाग लेने वाले चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ एक संदिग्ध स्थिति का सामना करना पड़ा। एक कठिन परीक्षा तब शुरू हुई जब होटल की सतर्क सुरक्षा टीम ने चीनी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य को असामान्य आकार वाला बैग ले जाते देखा और उनकी आपत्तियों के बावजूद सुरक्षा दल ने राजनयिक प्रोटोकॉल का पालन किया। बैगों को होटल में प्रवेश करने की अनुमति दी। स्थिति ने चिंताजनक मोड़ तब ले लिया जब एक होटल कर्मचारी ने प्रतिनिधिमंडल के एक कमरे की देखभाल करते समय 2 बैगों के भीतर छुपाए गए संदिग्ध उपकरण को देखा। इस खोज से चिंतित होटल के सुरक्षा विभाग के तुरंत सूचित किया गया तो सीधे तौर पर माहौल जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण देखने को मिला। एक और अपडेट, अरविंद केजरीवाल की रैली में बस की ड्यूटी पर लगे पंजाब के सरकारी टीचर भगवंत मान के पर भड़की सरकार। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, केजरीवाल की रैली में बस की ड्यूटी पर पंजाब के जो है वो सरकारी टीचर लगे थे। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अमृतसर जाने वाले हैं और इसके बसों की व्यवस्था की गई। सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने उन बसों को प्रभारी नियुक्त किए और उन मुद्दे पर भगवंत मान की सरकार में विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी भड़क उठी। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने सवाल पूछा कि ये क्या बदलाव है और सीधे तौर पर कांग्रेसियों ने इस पर बड़ा हमला बोला और कहा है कि ये शिक्षकों का